हाय फ्रेंड, मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हो RKS टेक्निकल चैनल को। तो फ्रेंड, मैं आज आपसे बात करूंगा कोई भी मोबाइल फुल शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम को आप कैसे इजी सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, अभी मेरे हाथ में एक फोन है जो कि नोकिया का 2700 मॉडल है और इस फोन का जो प्रॉब्लम है ये फुल शॉर्ट है। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फ्रेंड, ये जो मदरबोर्ड है इसका फुल शॉर्ट है। तो फ्रेंड, अगर आपके पास कोई भी फोन फुल शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम के लिए आए, कैसे आप उस प्रॉब्लम को इजी सॉल्व करेंगे उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो है मैं इस फोन को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, अगर आपके पास कोई भी मदरबोर्ड आए खास करके शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम के लिए, तो आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, अच्छी तरह से इसको देखना है, जो मदरबोर्ड है उसको आपको अच्छी तरह से देखना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है इसका मदरबोर्ड, ठीक है। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको एक चीज के याद हमेशा रखना है। देखिए, जितने भी सारे आपके मदरबोर्ड में कैपेसिटर है, फिल्टरिंग कैपेसिटर, सबसे पहले शॉर्ट सर्किट वही होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर का बाजू में आप देख सकते हो ये जो कैपेसिटर है, मैं थोड़ा आपको अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए फ्रेंड, ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे, ये देखिए, ये पूरा जल गया। ये देखिए, कैपेसिटर का दो साइड है, दो साइड में से यहाँ पे ए वाला जो कैपेसिटर है यहाँ पे देखिए, एक साइड इसका पूरा ब्लैक हो गया, यानी कि जल गया। तो फ्रेंड, ये जो कैपेसिटर है, अभी ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट है। तो इस तरीके से आपका जो टोटल मदरबोर्ड है उसको आपको अच्छी तरह से फाइंड आउट करके देखना है कि कोई भी कैपेसिटर जो है जल गया है क्या। अगर कोई भी कैपेसिटर जल जाता है तो आपको उसको रिमूव करना है। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो है मैं इस वाले कैपेसिटर को यहाँ से रिमूव करके फिर देखता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये जो कैपेसिटर है अभी रिमूव हो गया। तो अभी इसको जो शॉर्ट सर्किट है उसको चेक करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो शॉर्ट सर्किट है ये टोटल निकल गया। तो फ्रेंड, ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर यहाँ पे शॉर्ट था। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप कोई भी जो शॉर्ट सर्किट फोन है आप इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर उसमें आईसी से शॉर्ट सर्किट नहीं है तो आप कोई भी जो फोन है उसको आप इजीली शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो।